हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गत्यावस्था स्टेट ऑफ मोशन की और विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट की। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इन दोनों बिंदुओं पर बात करें, हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस या संदर्भ बिंदु की, या किसी बिंदु के सापेक्ष। अगर हम कहें किसी बिंदु के सापेक्ष, तो उसका मतलब क्या हुआ? बिंदु के सापेक्ष का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई ये पॉइंट, कोई ये बिंदु है, ठीक है, और कोई एक वस्तु यहाँ है, कोई एक वस्तु ए पॉइंट पर है और कुछ समय बाद इसके बीच की डिस्टेंस है एक्स वन, ठीक है। कुछ समय बाद समय बीता और ये चलता हुआ यहाँ आ गया बी पॉइंट, ठीक है। अब यहां से इसकी डिस्टेंस हो गई एक्स टू। फिर मान लीजिए कुछ समय बाद ये यहां सी पर पहुंचा, सी पॉइंट पर पहुंचा और इसकी डिस्टेंस हो गई एक्स थ्री। यानी कि ए बी सी की डिस्टेंस हम पॉइंट पॉइंट पी से, इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो पी एक बिंदु है जिससे हम ए की दूरियां माप रहे हैं, ठीक है। यानी कि वह बिंदु जिससे हम ए की दूरी हमने यहां पर नापी, जब बी पर पहुंचा तो यहां पर नापी, जब वह ऑब्जेक्ट सी पर पहुंचा तो यहां पर नापी। तो ये पॉइंट पी जो है जिससे हम दूरियां नाप रहे हैं, इसे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहां पर हमें बेसिक जानना यह है कि जब हम किसी बिंदु के सापेक्ष की बात करें तो उससे हमारी दूरी कितनी है, यहां मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस पी कहलाएगा यहां, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस या संदर्भ बिंदु या किसी बिंदु के सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि वह बिंदु जिससे हमारी दूरी या पोजीशन मेजर की जाए, हमारी स्थिति को मापा जाए, ठीक है, कि हम कितनी दूर हैं, वो उसका मतलब हुआ पॉइंट ऑफ रेफरेंस या सापेक्ष बिंदु या बिंदु के सापेक्ष। अब ये एक बिंदु हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है और कोई भी चीज हो सकती है, जीवित और निर्जीव वस्तु। जैसे मान लीजिए मुझे आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेजर कर लीजिए, मान लीजिए कि मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस हूं और ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी मेरे से कितनी दूरी पर है। अगर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस हूं तो अभी ये मुझसे लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कुछ समय बाद ये इतनी दूर हो गया, यानी लगभग 40-45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम बोले मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस हूं या संदर्भ बिंदु हूं, तो ये मुझसे यहां पर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर थी, यहां 45 सेंटीमीटर। तो मैं वो बिंदु हूं जिससे इस मार्कर की दूरी मापी जा रही थी, तो मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहलाऊंगा। वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की दूरी मेजर की जाए, उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं या कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मान लेते हैं कि हम इससे मेजर करेंगे, इससे मापेंगे, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ। तो जब हम किस कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है अथवा नहीं है, मोशन उसमें गति है कि नहीं है, कैसे हम उसको दिखाएंगे, तो साइंटिफिक वे में या वैज्ञानिक रूप में उसे हम इस चीज को निर्धारित करने के लिए तीन बातों को ध्यान में, तीन चीजें होनी चाहिए, तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो समय, दूसरा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस और तीसरा है आपका पोजिशन, चेंज इन पोजिशन। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन या गत्यावस्था या गति की अवस्था या गति या मोशन क्या है। तो देखिए कैसे हम कहेंगे कि कोई वस्तु गत्यावस्था में है या उसमें गति है, कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गत्यावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, ठीक है। यानी कि फिर से सुने, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है। When the position of an object changes with passage of time, with respect to a point of reference, then we say that object is in the state of motion. सुनिए फिर से,
when the position of an object changes with passage of time with respect to a point of reference, then we say that the object is in the state of motion. यानी कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है या हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है या स्टेट ऑफ मोशन में है या गत्यावस्था में है या वह गति की अवस्था में है। ठीक है, इतना समझ में आया। तीन बातें होनी चाहिए किसी चीज की, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है अथवा नहीं है उसको परिभाषित करने के लिए। पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, कोई बिंदु होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, स्थिति, और तीसरा है समय बीतने के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने बताया कि जब समय बीतने के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है या स्टेट ऑफ मोशन में है या गत्यावस्था में है। When the position of an object changes with passage of time with respect to a point with respect to a point of reference, then we say that object is in the state of motion. अब अगर ये घटना घट रही है तो क्या है, वो स्टेट ऑफ मोशन में है या गत्यावस्था में, और अगर नहीं घट रही है उसका विरोधी या अपोजिट या व्युत्क्रम, तो क्या कहलाएगी, विरामावस्था में या स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है, तो कैसे कहेंगे विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट को, कैसे कहेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु विरामावस्था में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। फिर से सुनिए, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय बीतने के साथ साथ किसी बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है या नहीं हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में है या विरामावस्था में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। When the position of an object does not change with passage of time with respect to a point of reference, then we say that object is in the state of rest. ठीक है, ये बात समझ में। तो इस तरीके से हम गत्यावस्था या state of motion या motion को परिभाषित कर सकते हैं, और इस तरीके से विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो गत्यावस्था के जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे भी आप देख रहे हैं जो भी चीजें चल रही हैं, गाड़ी अगर रोड पर चल रही है समय के साथ, तो वो क्या है, गत्यावस्था में है। जो चीज रुकी हुई है वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे दीवार, आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड रुका हुआ है, दीवार है, ये सारी चीजें रुकी हुई थी, स्टेट ऑफ रेस्ट में, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको गत्यावस्था स्टेट ऑफ मोशन और विरामावस्था स्टेट ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।